अध्यापक ते विद्यार्थी दा रिश्ता अटूट मन्या जांदा है, पर हुण ए रिश्ता दिनों दिन गंदलाउंदा जा रहा है। ताजा मामला नाभा दे पिंड रोटी छन्ना तो सामने आया है, जिथे दे रहण वाले सरकारी ITI अध्यापक दे वल्लों खुदकुशी कर ली गई है। मृतक बहादुर बतौर इंस्पेक्टर काम कर रहा सी। जानकारी मुताबिक मृतक ने सल्फास खा आत्महत्या की। मृतक वालों सुसाइड नोट भी लिखा गया, जिस चे एक विद्यार्थन उसका प्रेमी ते उसकी माँ ते ब्लैकमेल करने के इल्जाम लगाए गए। मिली जानकारी मुताबिक बहादुर सिंह नू क्लास दी ही विद्यार्थन नाल प्यार हो गया। विद्यार्थन ने अध्यापक नू ब्लैकमेल करना शुरू कर दिता ते 10 लाख रुपए की मांग कर लग पी। उसने दोवां दे प्यार दे रिश्ते दे संबंधी पुलिस नू कंप्लेंट करने की धमकी भी दी, जिस तों बाद बहादुर सिंह ने विद्यार्थन उसकी माता ते उसके प्रेमी इन्हां तिन्हां दा सुसाइड नोट विच ना लिख के आत्महत्या कर ली। पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार से तिना आरोपियों नू गिरफ्तार कर धारा 306 के तहत मामला दर्ज कर लिया। इस मौके पर मृतक के भतीजे ते भरा ने दसिया कि लड़की लगातार ब्लैकमेल करती सी, जिस करके बहादुर सिंह ने सुसाइड नोट लिख के आत्महत्या कर ली। उन्होंने पुलिस नू आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की सख्त मांग की। सुसाइड ही ये ब्लैकमेल करते थे इन्हें भी। कौन सी की करते थे? वो एक कुड़ी थी बलजिंदर कौर, एक वो माता सुवर्ण कौर, एक मुंडा थी मंगा सिंह जी। ये तिने मिलकर उन्होंने ब्लैकमेल करते थे भी नहीं तेरे ते बलात्कार का केस पावे, तो सानू 10 लाख रुपया दे। कुछ को अमाउंट 2 लाख दे तकरीबन दे चुका सी, होर पैसे मांगते थे। चाचा जी कितने काम करते? सरकारी ITI नाभा कॉन्ट्रैक्ट बेस से काम करते थे। हाँ जी, मोटर मकैनिक इंस्ट्रक्टर थे। सुसाइड उन्होंने सानू तकरीबन 2-3-4 दिन तो दस रहे थे भी टेंशन जी च लगते थे। घर आए फिर ITI च गए हुए थे, घर आए फिर घर आके दवाई पी ली। हाँ, सानू बाद चो पता लग गया, फिर असी राजमानता हॉस्पिटल ले गई, फिर अमर का परचा कट। तुसी की देखिया जो जो आपको देखता? वो उल्टिया कर रहे थे। की कीता? और उत्थे पुड़िया मिलिया थे दो ही, सेफ सेल सेफ सीलो लिखा हुआ थी उन्होंने ही। हाँ जी, फिर वो नाल लेके असी उत्थे गए। उन्होंने जेब चो आ ते एक उन्होंने जेब चो आ मिलिया थी लैटर, मेरी मौत का जिम्मेवार है। ये सारे नाम लिखे हुए ने, आ किन्ने पैसे खाधे, सारा कुछ लिखा हुआ डिटेल से लिख के। फिर पिता जी उन्होंने हूँ इंसाफ की मांग करते हैं, जल्द तो जल्द उन्होंने सख्त कार्रवाई की जाए। इन्हों का ग्रोह चल रहा है, ये भोले भाले लोगों को फसा के लुट दिया ने, 10 लाख की मांग कर दी। लड़की संत नगर जी 40 नंबर फाटक लवे रेलवे स्टेशन नाभा, वो समान है जी, वह नाम मंगा जी, वो समान ITI च लग्या हुआ जी शायद जी। हाँ जी, तो 2-4 दिन तो धमका रहे थे ITI आ जाते थे भी तेन बलात्कार का केस पावे, नहीं सानू पैसे दे। गुजारा सी फिर उन्होंने सिर तो चलता थी जी, बूढ़े माँ बाप ने जी, उन्होंने बजुर्ग ने एक बह कटी हुई है, मतलब उन्होंने डैडी जी पहला ब्लैकमेल कर ले, किन्ने पैसे खा? पहला 2 लाख खा गए जी, वो सारा कुछ लिखा हुआ जी, होर पैसे मंग कर दिया जी, होर 10 लाख जी। बस जी, वो जो दो मार कुड़ी जनानी थे, कुड़ी जनानिया वो तंग परेशान कर रहे थे, उन्होंने पैसे दे, पैसे की मंग कर रही थे। कितने टाइम तो चल रहा है जी? मैनू तो 3-4 महीने 3-4 दिन तो पता लग गया तंग परेशान। कभी नहीं तेरे भरा ने जिक्र करा? नहीं, कोई नहीं किया। उधर पुलिस ने दसिया कि बहादुर सिंह ने विद्यार्थन सामने विआह की पेशकश की, जिस तो बाद कुड़ी ने पैसों की मांग करनी शुरू कर दी। बहादुर सिंह ने उसनू कई महंगे गिफ्ट भी दिते सी, ते फिर कुड़ी ने 10 लाख रुपए की मांग की, उसनू धमकियां देनी शुरू कर दित्तिया। पुलिस ने मामले की जांच की है, तिना खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। मैं बहादुर सिंह है, सन ऑफ गुरदेव सिंह, इसकी उम्र 42 साल है, रोटी छन्ना का रहने वाला है। यह ITI नाभा के कॉन्ट्रैक्ट बेस से लगे हुए थे, इंस्ट्रक्टर उत्थे पढ़ाता बच्चों, तो उत्थे ये मतलब कि बलजिंदर कौर, तो ये गलबात होगी उस टाइम पढ़ाते हुए कोई गलबात चल पी इन्हों की आपस, ये स्टूडेंट सी, तो आपस एक दूजे ना चलो मैसेज वगैरह कर लग गए थे, एक दूजे के ना उतनी अटैचमेंट होगी। उस तो बाद लड़की कहती जी मेरे ना मैरिज कर, तो यह कहता जी मैं मैरिज करूँगा तेना, इन्हें मैरिज वे की नहीं, तो फिर ब्लैकमेलिंग जिमें करनी शुरू करती कुड़ी ने कि मैं तुम कि तू मेरे मैरिज कर, नहीं तो मैं तेरे परचा दर्ज करा लूँगी। इदा की प्रॉब्लम कुड़ी के नाल होर कौन कौन शामिल? कुड़ी के नाल एक मुंडा समाने तो रहने वाला मंगा सिंह, ये नाल
ਇਹਦਾ ਬੋਏਫ੍ਰੈਂਡ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬੋਏਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਇਹ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਇਹ ਮਦਰ ਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰੋਲ ਹਾਂ ਮਦਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਇਹਦੀ ਮਦਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਇਹਨੇ 1,93,500 ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗਿਫਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਝਾਂਜਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਆਈਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਸੀ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਇਹ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ RTM ਨਾ ITA ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ 2017-18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ 2 ਸਾਲ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ 22-23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ ਲੜਕੀ ਨੇ ਉਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸਲਫਾ ਸੋਰੀ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਹਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਅਤੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਆ ਉਹ ਮੈਰਿਡ ਸੀ ਜਾਂ ਅਨਮੈਰਿਡ ਨਹੀਂ ਅਨਮੈਰਿਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 42 ਸਾਲ ਸੀਗੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਇਹਦੀ 28 ਹੋ ਫਰਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕੌਣ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੰਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਤਿੰਨਾਂ 'ਤੇ 306 ਦਾ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 306 ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ